अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, डीजे वाइस चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि होम ऑफिस की जानिब से एक बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है इमिग्रेंट्स के लिए। और इसके साथ आप लोगों को बताते चलें कि जब से ये ईयू सेटलमेंट जोन सा है, अब तो ये भी ख़त्म हो चुका है। इससे पहले ईयू सेटलमेंट स्कीम थी तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो था इतना दबाव नहीं था, तो अब काफ़ी ज़्यादा दबाव भी किया जा रहा है। तो फ्रेंड, आपको बताते चलें कि ईयू सेटलमेंट जो स्कीम है वो भी अब मुमकिन यानी कि ख़त्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है, तो अब बड़े स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो ये कौन से बड़े स्टेप हैं वो आप लोगों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, अपडेट कुछ यूँ निकल कर आई है कि अब जो नई फोर्सेस के ज़रिए ईयू सेटलमेंट और जो दीगर जो के यूरोप के बाशिंदे हैं, काफ़ी हद तक कईयों के रिज़ल्ट बहुत स्पीड से आ रहे हैं, उसकी रेशो भी ठीक है, लेकिन जो रिफ्यूजल रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा के केसेस भी रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि जो अब एम्प्लॉयर हैं वो अब अपने जोन सा वर्कर है उससे तमाम तर स्टेटस वगैरह पूछ सकते हैं, और इसके अलावा ये भी है कि जिसके पास स्टेटस नहीं होगा तो उसको रेंट पर जो ब्रिटिश के मालिक है वो रेंट पर उसको अपना घर नहीं देगा। तो फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, और इस हवाले से यानी कि डेट गुजर चुकी है और अनकरीब जिनके केसेस रिजेक्ट हुए हैं वो अभी भी यूके में रह रहे हैं तो उनको डिपोर्ट भी किया जाएगा। ये भी एक अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। और एक और अहम ऐलान ये है कि जैसा कि कुछ हफ्ते पहले एक इमिग्रेशन जो कि पुलिस थी, उन्होंने रास्ते में लोगों को रोक कर उनसे स्टेटस चेक किए, उनसे पूछगिछ की यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक किए, तो अब दोबारा से जो कि आपको मालूम है कि ईयू सेटलमेंट स्कीम ख़त्म हो चुकी है, तो अब होम ऑफिस की जानिब से यानी कि प्रीति पटेल की जानिब से नई प्लानिंग की जा रही है, जिसमें यह है कि अब रोड पर चलते किसी से भी स्टेटस पूछा जा सकता है, यानी कि ऑफिसर्स पूछ सकते हैं जो कि इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, वो किसी से भी राह चलते यानी कि अगर वो यूरोपियन है या कोई भी है वो उससे उसका स्टेटस पूछ सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, इस हवाले से ऑलरेडी पहले भी कुछ अरसा यानी कि 2-3 हफ्ते पहले भी इमिग्रेशन ऑफिसर्स की जानिब से इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली थी, तो अब इस हवाले से अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट है, यूके होम ऑफिस की जानिब से डिफरेंट स्टेप उठाए जा रहे हैं ईयू सेटलमेंट वालों के लिए भी और जो इमिग्रेंट्स हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस मालूमात के बारे में मालूम हो सके। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पॉर्टेंट अपडेट में, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।